hello students how are you all well okay let's start chapter number 7 exercise and this is the first exercise 100 ohm register r is given 100 ohm register is connected to 220 volt supply टू ट्वेंटी सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी टेक एफ अदरवाइज टेक म्यू फिफ्टी हर्ट फ्रीक्वेंसी ए सी सप्लाई वॉट इज द आर एम एस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट ओके एक बात आप याद रखो ध्यान से याद रखो जब तक आपको दो वर्ड ना दिए हो तब तक आपको सारे के सारे वोल्टेज जो है वो आर एम एस ही लेने हैं कौन से दो वर्ड एक वर्ड होगा मैक्सिमम और दूसरा वर्ड होगा एम्पलीट्यूड ऑफ द वोल्टेज। अगर ये दो वर्ड दिए हैं तभी आपको वी मैक्सिमम यूज करना है अदरवाइज वी एम यहां पर जो दिया है वो है 220 वोल्ट इन द सप्लाई और सप्लाई में जो मैं मिलता है वो ऑलवेज वी आर एम एस होता है ठीक है तो उस हिसाब से मुझे करंट की वैल्यू चाहिए आई आर एम एस तो सिंपल है फर्स्ट आई आर एम एस ओम स्लो अप्लाई करो वी आर एम एस बाय आर नाउ इट इज टू ट्वेंटी डिवाइडेड बाय हंड्रेड 2.2 ampere current. Next, what is the net power consumed over a full cycle? Here, only register is connected. Only register is connected. Therefore. जो फेस डिफरेंस होगा वो फेस डिफरेंस डेल्टा इक्वल्स टू जीरो यू कैन कंसीडर इट एज अ फाइव फाइव इज इक्वल टू जीरो सो वैल्यू ऑफ पावर पी इज इक्वल्स टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस डेल्टा वी आर एम एस

तो ये हो गया आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट न्यूमेरिकल एक्सरसाइज नंबर टू द पिक वोल्टेज पिक मतलब मैक्सिमम पिक मतलब मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज 300 वोल्ट व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज rms the rms value of current in ac circuit is 10 ampere rms is given 10 ampere what is the peak current means i am find clear now वी आर एम एस इज इक्वल्स टू वी एम बाई रूट टू नाउ वी एम इज गीवन थ्री हंड्रेड बाय रूट टू एंड द वैल्यू इज टू वन टू पॉइंट वन वॉल्ट फॉर्मूला क्या है वी आर एम एस इज इक्वल्स टू मैक्सिम वैल्यू डिवाइडेड बाई रूट टू ओके कोई अगर वन अपन रूट टू की वैल्यू पहले लिख के ऐसा भी अगर ला सकता है पॉइंट सेवन नॉट सेवन वीएम तो भी चलेगा हुँ? आंसर तो वही आने वाला है ओके okay. अब बात करते हैं आई आर एम एस आई आर एम एस इज गिवन आई आर एम एस इज इक्वल्स टू आई एम बाई रूट टू बट नाउ आई आर एम एस इज गिवन एंड फाइंड आउट आई एम सो आई एम को सब्जेक्ट बनाओ रूट टू आई आर एम एस रूट टू वन पॉइंट फोर वन फोर आई आर एम एस इज टेन फोर्टीन पॉइंट फोर्टीन एमपीयर करंट फोर्टीन पॉइंट फोरटीन करंट इन द सर्किट ओके तो ये हो गया आपके एक्सरसाइज का सेकेंड न्यूमेरिकल सेवन पॉइंट Three. A forty four milli Henry inductor is given forty four milli ten raised to minus three Henry is connected to two twenty volt fifty hertz supply supply mudlub RMS VRMS its two twenty volt and frequency इट्स फिफ्टी हर्ट्स डिटरमाइन द आर एम एस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट एक बात याद रखना जब भी आपको पूछे कि भाई करंट फाइंड करो तो सबसे पहले आपके पास एक चीज होनी चाहिए और वह है एक्सेल अगर इंडक्टर है तो एक्सेल कैपेसिटर है तो एक्सी अगर ये नहीं है तो प्लीज पहले इसे फाइंड करो क्योंकि बहुत बार न्यूमेरिकल में ऐसा होता है कि एक्सेल और एक्सी को बार बार यूज करना पड़ता है और फिर हर बार कैलकुलेशन करके हम अपना ही टाइम बिगाड़ते हैं मच बेटर है एक्सेल सबसे पहले फाइंड कर लो और कोई टफ भी नहीं है टू पाई न्यू एल टू थ्री पॉइंट फोर्टीन फ्रीकवेंसी फिफ्टी फोर्टी फोर टेन डेज टू माइनस थ्री इट इज अराउंड थर्टीन पॉइंट एटी टू ओम ओके हो जाने के बाद आप जाओ आरएमएस फाइंड करने आई आर एम एस इज इक्वल्स टू वी आर एम एस बाय रूट टू नौ वी आर एम एस ओ सॉरी माई मिस्टेक इट्स एक्सर वी आर एम एस इज टू ट्वेंटी एक्सेल की वैल्यू जो है वो आपने अभी ऊपर डिराइव की है थर्टीन पॉइंट एटी टू इट इज अराउंड फिफ्टीन पॉइंट नाइन एम पी एल ओके इसके लिए मैं आपको एक सेल्फ वर्क देता हूं भाई आप फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट ओके okay. तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर थ्री एग्जाम्पल सेवन पॉइंट फोर अ सिक्सटी माइक्रोफेराड कैपेसिटर कैपेसिटर इज गिवन सिक्सटी माइक्रोफेराड रेस टू माइनस सिक्स फेराड ओके इज कनेक्टेड टू वन वन जीरो वॉल्ट सिक्सटी हर्ड ए सी सप्लाई सप्लाई मतलब आर एम एस वी आर एम एस इट्स वन वन जीरो वॉल्ट ओके एंड द फ्रीक्वेंसी इज दिस टाइम सिक्सटी हर्ड डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट ओके यहां पे सिर्फ डिटरमाइन करना है एक ही फाइंड करना है तो डायरेक्टली हम लोग यहां पे भी जा सकते हैं कि भाई आई आर एम एस इज इक्वल्स टू फॉर्मूला अप्लाई करो वी आर एम एस बाय टाइम कैपेसिटर सो आप एक्सी अप्लाई करोगे एक्सेल नहीं एक्सेल कब अप्लाई करोगे जब आपके पास इंडक्टर होगा वी आर एम एस एक्सी इट्स वन ऑफ वन ओमेगा सी तो denominator of the denominator transferred to the numerator so it is omega c v r m s omega is equals to what 2 pi frequency into c v r m s 2 3.14 frequency 60 hertz 16 micro 10 raise to minus 6 र एम एस वन वन जीरो इट इज टू पॉइंट फोर एट सिक्स एमपियर टू पॉइंट फोर एट सिक्स एमपीयर करंट इन द सर्किट ओके तो यह थी आपकी एक्सरसाइज नंबर सेवन पॉइंट एक्सरसाइज नंबर सेवन पॉइंट फोर लेट स्टार्ट Exercise number 5. Oh, this the previous exercise. Hi hai. In exercise 7.3, 7.4, what is the net power absorbed by each circuit over a complete cycle? Explain your answer. A according to according theory, when only inductor and only capacitor are connected, the power consumed over a cycle is. जीरो सो so, पहला कंडीशन लेते हैं कि भाई ओनली इंडक्टर इज कनेक्टेड ओके द फेस डिफरेंस बिटवीन द फेस डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज डेल्टा इक्वल्स टू पाई बाई टू कुछ लोग इसे फाइव बी कहते हैं ओके okay? तो पावर कंज्यूम इट्स पी इक्वल्स टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस डेल्टा वाई बिकॉज इन इंडक्टर की बात करें ठीक है तो यहां पे जो करंट होता है वो पाई बाई टू जितना पीछे होता है वोल्टेज से ओके वोल्टेज इज अड ऑफ करंट बाय पाई बाय टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस पाई बाय टू एंड कॉस पाई बाय टू इट्स अ जीरो ओके नाउ लेट सेकेंड ओनली कैपेसिटर तो यहां पर आप लिख सकते हो कि भाई हियर करंट अहेड ऑफ वोल्टेज बाय डेल्टा इक्वल्स टू पाई बाय टू पी इक्वल्स टू वी आर एमएस आई आर एमएस अगेन कॉस पाई बाय टू और उसके हिसाब से भी आंसर क्या होता है जीरो ऐसा क्यों होता है तो हमने थ्योरी में डिस्कस किया था कि जब एक साइकिल चलती है ठीक है तो इस साइकिल में से एब्जॉर्ब होती है पावर जो होता है वो एक साइकिल में एब्जॉर्ब होता है और एक साइकिल में से आधी आद, सॉरी आधी साइकिल में जो है वो पावर एब्जॉर्ब होता है और आधी साइकिल में वो जो पावर है वो वापस से उसे दे देता है मतलब गिवन टू सोर्स सोर्स में से एब्जॉर्ब करेगा हाफ साइकिल में और हाफ साइकिल में वापस दे देगा तो मतलब जितना एब्जॉर्ब किया है उतना ही वो दे देगा मतलब पी एब्जॉर्ब्स इट्स पी गिवन बोथ आर सेम पी एब्जॉर्ब इज इक्वल्स टू पी गिवन सेम मतलब जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही वो वापस करके देगा वो खुद कुछ, -कुछ यूज करेगा नहीं तो ये थी एक्सरसाइज नंबर सेवन पॉइंट फाइव एक्सरसाइज सेवन पॉइंट सिक्स ऑप्टेन द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ओमेगा आर या तो फिर आप ओमेगा जीरो भी बोल सकते हो ऑफ अ सीरीज एल सी आर सर्किट टू हेनरी इंडक्टर थर्टी टू कैपेसिटर एंड टेन ओम रेजिस्टर। व्हाट इज द क्यू वैल्यू ऑफ दिस सर्किट अब क्या दिया है सब कुछ तो सिंबल के साथ दिया है तो नया कुछ नहीं करना है सीधा डायरेक्टली हम लोग चले जाएंगे कि भाई रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी जो है अब रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की फॉर्मूला जो है वो अलग है लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो मांगी है वो है ओमेगा जीरो So It's a resonant angular frequency, resonant angular frequency one of one root LC under root of value of L 2 Henry, 30 to Henry 32 10 raised to minus 6 microfarad under root of. सिक्सटी फोर टेन रेस टू माइनस सिक्स चलो स्क्वायर रूट निकालते हैं सिक्सटी फोर का स्क्वायर रूट एट टेन रेस टू माइनस सिक्स का थ्री ऊपर सो so, ऊपर जाएगी टेन रेस टू थ्री बाई एट तो आंसर इज वन ट्वेंटी फाइव रेडियन पर सेकेंड ओके नाउ क्यू वैल्यू ऑफ दिस सर्किट फाइंड करना है हमें क्यू वैल्यू अब क्यू वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूला है एक है वन अपन आर अंडरुट एल बाई सी एक है ओमेगा जीरो एल बाय आर एक है वन अपॉन ओमेगा जीरो सी आर ठीक है तीनों में से आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो दिस योर चॉइस मैं ये फॉर्मूला अप्लाई हूं राइट right नाउ वन ट्वेंटी फाइव इंटू टू डिवाइडेड बाई टेन ओके टू फिफ्टी बाई टेन इट इज ट्वेंटी फाइव क्यू फैक्टर इज यूनिटलेस क्वांटिटी तो पीछे कुछ भी यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है तो ये याद रखना और इसके लिए आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करके मुझे कमेंट करोगे जितना भी आपको सेल्फ करना है वो आप मुझे फाइंड कमेंट uh, में करोगे ओमेगा जीरो इट्स टू पाई म्यू ये है आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी म्यू म्यू फाइंड करना है आपको ओके okay. तो ये था आपका एक्सरसाइज नंबर सेवन पॉइंट सिक्स सेवन पॉइंट सेवन अ चार्ज्ड थर्टी माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ट्वेंटी सेवन मिली हेनरी इंडक्टर ट इज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी देखो वर्ड यूज किया है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ्री ऑसिलेशन ऑफ द सर्किट तो यहां पर आपको सी दिया है थर्टी माइक्रोफेर एलिज गिवन ट्वेंटी सेवन मिली हेनरी नाउ फाइंड आउट ओमेगा जीरो ओमेगा जीरो इज अंगोर फ्रीक्वेंसी अंडर उफ एल सी okay. ओके फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और आपको आगे बढ़ना है सभी की वैल्यू आपको दी है थर्टी माइक्रोफेरा माइनस सिक्स ट्वेंटी सेवन माइनस थ्री ओके okay. अंडर उटी वन टेनडेस टू माइनस एट स्क्र निकालो नाइन टेनडेस टू माइनस फोर माइनस फोर ऊपर टेनडेस टू फोर बाय नाइन टेनडेस टू फोर मतलब टेन थाउजेंड बाय नाइन चार बार वन और पॉइंट के पीछे दो बार एक बार भी लिख सकते हो रेडियन पर सेकंड ये हो गई आपकी एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या तो आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो यहां पर रेजोनेंट वर्ड यूज नहीं किया है लेकिन उसका एक सिलोनियम यूज किया है ऑफ फ्री ऑसिलेशन दीन्स रेजोनेंट ओके तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर सेवन एक्सरसाइज सेवन पॉइंट एट सपोज द इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन एक्सरसाइज सेवन पॉइंट सेवन इज सिक्स मिली कुलम मतलब कि इनिशियल चार्ज जो है सेवन पॉइंट सेवन में वो कुछ सिक्स मिली कुलम था मतलब कि सिक्स इंटू टेन रेड टू माइनस थ्री कुलम वॉट इज द टोटल एनर्जी स्टोर इन द सर्किट इनिशियली इनिशियली कितनी होगी तो हियर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इनिशियली इज यू वन इक्वल्स टू क्यू स्क्वेयर बाय टू सी Q. 6 इंटू टेन टू माइनस थ्री होल स्क्वायर बाई टू कैपेसिटी की वैल्यू कितनी थी थर्टी माइक्रोफेरा माइनस 6. थर्टी 10 टेन रेस टू माइनस सिक्स डिवाइड बाय सिक्सटी टेन रेस टू माइनस सिक्स कैंसिल करो पॉइंट सिक्स जूल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इनिशियली व्हाट इज द टोटल एनर्जी एट लेटर टाइम मतलब बाद में एनर्जी कितनी होगी ठीक है कि यहां पे कोई भी हियर एक्सेल इज इक्वल्स टू एक्ससी क्यों क्योंकि एक्सरसाइज सेवन पॉइंट सेवन में एक्सेल इज इक्वल्स टू एक्स दिया है ठीक है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करने को बोला है तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कंडीशन है एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी और कोई भी रेजिस्टेंस है नहीं नो रेजिस्टर इज कनेक्टेड देयर फॉर नो एनर्जी लॉस ड़ सो इनिशियल जितनी होगी उतनी ही फाइनल होगी पॉइंट सिक्स ओके तो ये है आपकी एक्सरसाइज नंबर सेवन पॉइंट एट एक्सरसाइज नंबर सेवन पॉइंट नाइन इसके अंदर जो वैल्यूज दी है वो जरा ध्यान से देखो एल सी आर सीरीज सर्किट विथ आर इक्वल्स टू ट्वेंटी सी इक्वल्स टू थर्टी फाइव माइक्रोफेर इज कनेक्टेड टू अ अबल फ्रीक्वेंसी टू हंड्रेड वोल्ट ए सी सप्लाई सप्लाई मतलब आर एम एस ये क्या दिया है आर एम एस वेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इक्वल्स टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी दैट्स कॉल्ड रेजोनेंस ऑफ द सर्किट What is the average power transferred to the circuit in one complete cycle? Okay. Yadrako, when the frequency of supply equals to normal frequency. सोर्स और सर्किट कॉल्ड रेजोनेंट और रेजोनेंट के हिसाब से ओमेगा जीरो इक्वल्स टू वन अपॉन रूट एल सी ये होनी चाहिए ओके okay. अब हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है कि जब आपको ये कंडीशन मिलती है तब तो आपको मिलता है एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्ससी फॉर दिस देर फॉर जो इंपीडेंस है वो मोर जेड इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सेल माइनस एक्सी होल स्क्वायर और दूसरी बात हमें पता है कि भाई इंपीडेंस एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जेड इक्वल्स टू आर वाई बिकॉज एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी इस कंडीशन के हिसाब से ये जीरो तो आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा जेड इक्वल टू आर और जेड की वैल्यू आर की वैल्यू जितनी होगी ओके okay, नाउ। अब मुझे फाइंड करना है आई आर एम एस वी आर एम एस बाय मोडेड अब आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एमएस बाई मोडेड वी आर एम एस इट्स टू हंड्रेड डिवाइडेड बाय मोड इज ए ट्वेंटी इट्स टेन एमपीयर कर ओके okay. अब आप बात करना है एड्रेसोनेंट डेल्टा इक्वल्स टू जीरो वाई जब तीनों एक साथ सर्किट में लगे होते हैं तो फॉर्मूला होता है डेल्टेन डेल्टा इक्वल्स टू एक्सी माइनस एक्सएल वाई आर अब ये दोनों तो इक्वल हो गए तो ऊपर की वैल्यू हो जाएगी जीरो तो डेल्टा कितना होगा जीरो देर फॉर अब पावर का फॉर्मूला पावर कंज्यूम कितना चाहिए पी इक्वल्स टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस डेल्टा वी आर एमएस टू हंड्रेड आई आर एम एस टेन कॉस डेल्टा इट्स अस जीरो और कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन टू थाउजेंड वॉट या तो आप बोल सकते हो टू किलो वॉट टू किलो वॉट टू थाउजेंड वॉट या तो टू किलो वॉट तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर नाइन एक्सरसाइज सेवन पॉइंट टेन अरेडियो कैन ट्यून ओवर द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ पोर्शन ऑफ मीडियम वेव मीडियम वेव ब्रॉडकास्ट बैंड 800 हंड्रेड पहली फ्रीक्वेंसी टू 1200 हंड्रेड दूसरी फ्रीक्वेंसी इफ इट्स एलसी सर्किट हैज एन इफेक्टिव इंडक्टेंस टू हंड्रेड माइक्रोहेनरी टू हंड्रेड माइक्रोहेनरी वट मस्ट बी द रेंज ऑफ इट्स वेरिएबल कैपेसिटर सी वन सी टू फाइंड करो क्योंकि एल सी में फ्रीक्वेंसी वेरी हो रही है एल फिक्सड ओके फॉर ट्यूनिंग द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग कहां पे हुई है नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब के रेजोनेंट पे दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसोलेशन ऑफ द एल सी सर्किट शुड बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव सोर्स की जितनी हो चुकी है ओके okay. तो लिख सकते हैं कि एट नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल्स टू वन ऑफ वन अंडर रूट ऑफ एल सी इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि न्यूमेरिकल तो बहुत ईजी है तो ईजी को शॉर्ट बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन ऑफ वन एल सी सी इक्वल्स टू वन ऑफ वन ओमेगा स्क्वायर एल ना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा टू पाई फ्रीक्वेंसी होल स्क्वायेर एल c वन ऑफ वन फोर पाई स्क्र म्यू स्क्वेर एल अब आपको करना क्या है तो सबसे पहले आपको लेना है कि इक्वेशन नंबर वन ओके और इक्वेशन नंबर वन के अंदर आपको वैल्यू यूज करनी है फ्रीक्वेंसी फर्स्ट इट इज एट हंड्रेड किलो टेंड्रेस टू माई सॉरी प्लस थ्री हर्ट्स अब 800 जो है वो छोटी वैल्यू है मतलब कि आप ये लिख सकते हो कि दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी क्यों दूसरी जो है वो 1200 हंड्रेड किलोहड्स है तो यहां पे जो रिलेशन है कि भाई सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी उसके हिसाब से अगर देखने जाओ तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सिमम 1 of 1 4 3.14 square frequency 800 8 10 raise to 5 whole square multiply gaya. 4 pi square mu square up L ki value 200 micro 10 raise to minus 6. तो ये वैल्यू हो जाती है वन नाइनटी सेवन पॉइंट एट टू माइनस ट्वेल्व फेराड, वन एट पिको फेराड़ के आसपास आपको मिलेगी ये वैल्यू ठीक है अब इसी न्यूमेरिकल में आपको मैक्सिमम फाइन मिनिमम फाइन करना है कि जो फ्रीक्वेंसी है वह है ट्वेल्व हंड्रेड किलो मतलब टेनड्रेस टू थ्री हर्ट्स उसके हिसाब से देखने जाओ तो 1.2 पॉइंट टू टेनरेस टू सिक्स हर्स मिलती है ठीक है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा फोर थ्री पॉइंट फोर्टीन स्क्वायर एल वन पॉइंट टू रेस टू सिक्स होल स्क्वायर मल्टीप्लाई टू हंड्रेड माइक्रो टेंड्रेस टू माइनस सिक्स टू हंड्रेड टेंडरेस टू माइनस सिक्स ठीक है तो वैल्यू हो जाती है एट्टी सेवन पॉइंट नाइन टू माइनस ट्वेल्व फेराड इट्स 88 एट पीको फेराड़ कितना हो गया 88 एट पीको फेराड़ तो ये हो गया आपके एक्सरसाइज का नंबर टेन एक्सरसाइज नंबर सेवन पॉइंट इलेवन फिगर शोज एल सी आर सर्किट कनेक्टेड टू अ टू थर्टी वोल्ट सोर्स आर एल सी सॉरी आर सी एल सीरीज में है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी बोला है एल इज फाइव हेनरी सी इज एट्टी माइक्रोफ़ेराड, आर फोर्टी ओ determine the resonant फ्रीक्वेंसी which drives the सर्किट इन resonance चलो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा जीरो वन अपॉन रूट एल सी एल इट्स फाइव एटी टेंट टू माइनस सिक्स ओके तो इट इज फोर हंड्रेड टेन टेंडरेस टू माइनस सिक्स स्क्वायर रूट निकालो फोर हंड्रेड का स्क्वायर रूट होगा ट्वेंटी और टेन टेनड्रेस टू माइनस सिक्स का टेन टेनरेस टू माइनस थ्री जो कि ऊपर जाएगा थाउजेंड बाई ट्वेंटी कैंसल सो ओमेगा जीरो इट इज फिफ्टी रेडियन पर सेकेंड ओके तो फ्रीक्वेंसी जो होगी फ्रीक्वेंसी इट्स ओमेगा जीरो बाई टू पाई टू पाई फिफ्टी डिवाइडेड बाई थ्री पॉइंट फोर्टीन सेवन पॉइंट नाइंटी सिक्स हर्ड्स इट इज नियरली एट हर्ड्स इट इज नियरली एट हर्ड्स तो ये ए हो गया बी ऑप्टेन द एम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड द एम्पीट्यूड ऑफ द करंट एट द रेजो नेट फ्रिक्वेंसी वेरी गुड चलो तो हम लोग बी फाइंड करते हैं और आप कंडीशन से ही जाओ कि भाई एट रेजो नेट इंपीडेंस मोरजेड इज इक्वल्स टू आर फोर्टी ओम ओके नौ मैक्सिमम वैल्यू आई एम इज इक्वल्स टू वी एम बाय मॉड जेड एंड वी एम तो दिया नहीं है तो हम क्या करेंगे कि भाई वी आर एम एस बाय रूट टू सॉरी वी आर एम एस इंटू रूट टू बाय मोरजेड इक्वल्स टू आर ये कहां से आया तो सिंपल है कि भाई वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम बाई रूट टू तो रूट टू सामने भेजा तो वी एम इज इक्वल टू वी आर एम एस इन रूट टू नाउ वी आर एम एस कितना दिया है टू थर्टी वन पॉइंट फोर वन फोर डिवाइडेड बाय फोर्टी ओके तो ये वैल्यू कुछ बन जाती है एम इज इक्वल्स टू समथिंग एट पॉइंट वन एमपीयर एट पॉइंट वन ओके तो ये हो गया आपका मैक्सिमम वोल्टेज अभी आपको फाइंड करना है आरएमएस तो आरएमएस कैसे फाइंड करोगे क्यों क्योंकि आगे जरूरत है तो आर के लिए आपके पास है वी आर एम एस जेड या तो आप ये भी फाइंड कर सकते हो कि भाई आई एम बाय रूट टू कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो टू थर्टी डिवाइडेड बाय फोर्टी फाइव पॉइंट सेवन फाइव एमपियर आर एम एस वैल्यू हो जाएगी क्यों चाहिए अब क्वेश्चन ध्यान से एक बार और पढ़ते हैं सी तो मैंने सी की प्रिपरेशन की है डिटमाइन द आर एम एस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस थ्री एलिमेंट्स इन दोनों के बीच का वोल्टेज कितना होगा इन दोनों के बीच का वोल्टेज कितना होगा इन दोनों के बीच का वोल्टेज कितना होगा शोज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एलसी कॉम्बिनेशन इज जीरो एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओके मुझे वी आर चाहिए सो आई आर एम एस इन आर आई आर एम एस फाइव पॉइंट सेवन फाइव आर फोर्टी इट इज टू थर्टी वर्ल्ड तो जितना सोर्स था उतना तो रेजिस्टेंस के पास ही आ चुका है तो इन दोनों के पास होगा बट आंसर जीरो आएगा वी एल अब वी एल इज इक्वल टू वट तो वी एल इज इक्वल टू आई आर एम एस एक्सएल

तो इसके हिसाब से आंसर आता है वन फोर थ्री सेवन पॉइंट फाइव वोल्ट अब वीसी फाइंड करो अब वीसी ध्यान से हो आई आर एम एस इंटू एक्सी एक्सी इज अ टू पाई म्यू सी फाइव पॉइंट सेवन फाइव डिवाइडेड बाय टू 3.14 फ्रीक्वेंसी 7.96 बट कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको 80 माइक्रोफेनाड एट टेन डेस्ट टू माइनस फाइव तो इसका आंसर आता है 1437.5 वोल्ट ओके तो इन दोनों के बीच का वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा तो इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V इक्वल्स टू वी सी माइनस वी एल अकॉर्डिंग टू द फेजर मैथड वन फोर थ्री सेवन पॉइंट फाइव माइनस वन फोर थ्री सेवन पॉइंट फाइव इक्वल्स टू जीरो याद करो वी आर वी सी और वी एल जो है वो सीधे एडिशन में नहीं डालने हैं यहां पे आपको कुछ एंगल बना के ही डालना पड़ेगा ओके ये तीनों के तीनों जब कनेक्टेड होंगे तो फॉर्मूला क्या होगा टू वी आर स्क्वे प्लस वी सी माइनस वी एल होल स्क् VC माइनस वी एल की वैल्यू कितनी होती है दोनों का एडिशन करोगे तो माइनस के हिसाब से जीरो आएगा तो आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप है इन दोनों के बीच में वो हो जाएगा जीरो क्योंकि जितना भी पोटेंशियल है वो रेजिस्टेंस लेके बैठा है आपको तो कुछ मिलने वाला है नहीं ठीक है जितना भी पोटेंशियल है वो कौन लेके बैठा है रेजिस्टेंस जितना सप्लाई था 230 थर्टी वोल्ट, वो सप्लाई का जो पोटेंशियल था वो रेजिस्टेंस के पास है तो इन दोनों के पास खुद का पोटेंशियल होगा लेकिन जो उन दोनों का एडिशन होगा वो जीरो होगा मतलब कि सर्किट में उन दोनों का पोटेंशियल काउंट होगा नहीं तो ये थी आपकी 7.11 पॉइंट एक्सरसाइज और यहां पे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हमने खत्म किए अब आपको करना क्या है कि जो भी मैंने सेल्फ दिया है उस सेल्फ को आपको आंसर करना है और उसे कमेंट में मुझे भेजना है ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो